तुम्हारा जो ये फेस है इस पर हाफ शेविंग क्यों की है? एक तरफ तो तुमने शेविंग की हुई है और एक तरफ आपकी अनशेव्ड है, यानी एक तरफ बाल है, दाढ़ी है। गोपाल कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। मैं तैयार हो रहा हूँ, ड्रेसअप कर रहा हूँ। ड्रेसिंग मीन तैयार होना। यहाँ पर अप टू बाय फिश, फिश खरीदने के लिए मैं अपनी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, ड्रेस पहन रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। वट इज़ द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद एश? क्या बात है तुम्हारे साथ में? मैटर का मतलब होता है बात। वट इज़ द मैटर विद यू? क्या बात है आपके साथ? वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद एश? स्मेरिंग का मतलब होता है क्यों लगा रहे हो आप अपने एक चेहरे पर, इस चेहरे के ऊपर। एक तरफ उसने शेव किया हुआ था और एक तरफ अनशेव्ड था, जहाँ पर दाढ़ी नहीं बनाई थी। जिस तरफ दाढ़ी नहीं बनाई थी उस तरफ वो ऐश लगा रहा था, राख को लगा रहा था बालों के ऊपर। तो उसकी माँ पूछती है, क्या बात है कि आप एक तरफ अपने चेहरे के ऊपर अपने ये क्यों लगा रहे हो, अपने चेहरे के ऊपर राख क्यों लगा रहे हो? फिर गोपाल कहता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया ना, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इस तरीके से गोपाल वेश बदल कर जाता है इस स्टोरी के अंदर। ये बहुत ही फनी स्टोरी है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। वाइफ कहती है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग्स का मतलब होता है फटे हुए कपड़े, टॉर्न टॉर्न कपड़ों में, डिसग्रेसफुल देखने में बहुत गंदे लगने वाले इन फटे हुए कपड़ों में तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हो। वट आर यू अप टू? कहाँ जा रहे हो अब तुम, कहाँ जा रहे हो? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू? कितनी बार मैं तुम्हें बताऊँ? वुमेन, औरत, आई एम आउट टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश। मैं बाहर जा रहा हूँ बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इस तरीके से गोपाल बाहर चला जाता है। इट्स हैपन टू हिम, ये कभी कभी हो जाता है। ही इज़ गॉन मैड, वो पागल हो गया है। इस तरीके से वो कहती है उसकी वाइफ गोपाल को। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस, पैलेस। गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी और ना शुरू कर दिया पैलेस की तरफ। पैलेस में होता है राजा का महल। क्राउड उसके पीछे, जैसे सीन में देखिए आप देखेंगे इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, मदर लुक, मामा देखो, एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ। इज आंट ही कॉमिकल, क्या वो मजाकिया सा नहीं लग रहा? देखो उसकी तरफ। फिर लोग कहते हैं, और लोग कहते हैं, ही मस्ट बी ए मैड मैन, वो कोई पागल आदमी होगा। हश, आई थिंक ही इज ए मिस्टेक, मुझे लगता है वो कुछ रहस्यमय है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ वो कुछ अलग ही तरीके का है। इस स्टोरी के अंदर गोपाल है ना अपने चेज फटे हुए कपड़े पहन कर जाता है, ताकि उसके ऊपर किसका ध्यान ना जाए जब वो फिश लेकर जाए, और सबका ध्यान फिश से हट जाए। यही तो राजा का चैलेंज था, इसलिए वो अपना ड्रेसअप इस तरीके से कर लेता है। फटे हुए कपड़े होते हैं, अपना मेकअप कर लेता है, एक तरफ दाढ़ी बनाता है, एक तरफ दाढ़ी नहीं बनाता है, और उसे भी जिस तरफ दाढ़ी नहीं बनाता है उस तरफ बालों के ऊपर वो अपना राख से वो कर लेता है, ताकि उसके ऊपर उसके ड्रेसअप पर ध्यान जाए सब लोगों का, फिश के ऊपर नहीं जाए। अब इस तरीके से वो फिश लेकर जाता है, उसे रास्ते में लोग बहुत कुछ कहते हैं। व्हेन गोपाल रेस्ट द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंच जाता है, दरबार में पहुंच जाता है, तो दरबारी लोग कहते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई वांट टू सी द किंग, गोपाल कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। तो दरबारी लोग कहते हैं, यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, चले जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से, गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है यहाँ से दूर हो जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, जब उसे गोपाल को लगता है कि कोई भी उसे अंदर नहीं जाने देगा, तो वो बहुत जोर जोर से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है, ताकि राजा का ध्यान उसकी तरफ जाए। पिक्चर में भी देखिए, राजा के पास जाने से उसे रोकते हैं, वो बहुत जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। इनसाइड द पैलेस, राजा को भी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो महल के अंदर क्या होता है,
आवाजें जा रही होती हैं। एक आवाज आती है, द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक दो। एक आवाज ऐसी जाती है, एक ऐसी जाती है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। ये आवाज गोपाल की होती। राजा सुनता है इन सारी बातों को और फिर कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ अभी तुरंत। एट वंस का मतलब तुरंत। यस योर मजेस्टी, हाँ राजा साहब, ये कहकर दरबारी जाता है उसको लेने के लिए। गोपाल वास ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। सब लोग देखते हैं, देखकर कहते हैं, ओह इस गोपाल, ये तो गोपाल है। सब ये चीज़ देखते हैं और सब पहचान जाते हैं कि ये तो गोपाल है। और फिर कोर्टियर्स कहते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी का तो दिमाग ख़राब हो गया। और एक कहता है, आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ हिज क्लोजी जोक्स, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इसका एक बड़ा सा वही पागलपन वाला मजाक है। एक कोर्टियर ये कहता है, और फिर राजा कहता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, अब इससे बाहर आ जाओ। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तुमने इस तरीके के ड्रेसअप क्यों कर रखा है, कैसे पहन रखा है, मजाक के तरीके से फैशन में, रिडिकुलस, मजाक उड़ाने वाले, बड़ा अजीब सा, इसमें तुमने क्यों ऐसे ड्रेस पहनी है, इस तरीके से पहनी है, इस तरीके से तैयार हुए हुए क्यों हो तुम। योर मेजेस्टी, राजा साहब, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, ऐसा लगता है, यू सीम, लगता है, यू सीम टू हैव फॉरगेटन, फॉरगोट का मतलब होता है भूल गया, फॉरगोटन समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं, फॉरगेटन समथिंग, कोई चीज़ भूल गया, राजा कहता है। फिर गोपाल बोलता है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन एल्सा फिश टूडे, कितनी अजीब बात है राजा साहब, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड, कोई भी इसमें बिल्कुल भी, इसमें हिल्सा फिश को जो इसमें लेकर आया हूँ आज, कोई भी इसके अंदर हिल्सा फिश के अंदर इंटरेस्ट किसी ने भी नहीं दिखाया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर, बाजार से लेकर इस महल तक किसी ने भी इसकी बात नहीं की। एंड इन द कोर्ट, और इस दरबार के अंदर भी, नॉट ए साउल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, एक भी इंसान ने, साउल का मतलब यहाँ पर एक भी पर्सन ने, इस हिल्सा फिश के बारे में कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, तब राजा को याद आया, द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था, तब राजा को याद आया, राजा को याद आया, तब राजा ने जवाब दिया, वेल गोपाल, बहुत अच्छे, हाँ हाँ हाँ, खुश हुआ, हंसा वो जोर से राजा, और कहा, बहुत अच्छा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने दोबारा से एक असंभव काम को कर दिखाया है। दिस वॉज द स्टोरी, थी ना कितनी अच्छी और फनी स्टोरी थी ये, जस्ट लाइक तेनाली रामा स्टोरी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो।